एक वर्ड है केमिस्ट्री का, क्लास 12th जब आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर मेटलर्जी, मेटलर्जी जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, जर्नल प्रोसेस मीन्स आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जैसे मेटल को कैसे प्राप्त करते हैं, जब वो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड मिलेगा पायरोमेटलर्जी। अगर आपको स्मेल्टिंग पता है, स्मेल्टिंग क्या होता है, तो आपके लिए ये वर्ड आपको पहले से ही आता है, बट आपको सिर्फ पता नहीं कि पायरोमेटलर्जी आपको आता है। तो पहले आपको हम स्मेल्टिंग समझा देते हैं, स्मेल्टिंग क्या होता है, और आप अगर स्मेल्टिंग समझ गए तो आपको पायरोमेटलर्जी सिर्फ 5 सेकेंड लगेगा मेरे को समझाने में। तो पहले हम समझा देंगे आपको, इसके बाद आपको क्या करेंगे, इसकी डिफिनेशन भी लिखा देंगे। तो पायरोमेटलर्जी क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, जब हम लोग कोई अगर मेटल ऑक्साइड है मेरे पास, कोई भी अगर मेरे पास ये चल नहीं रहा है, दूसरा लेते हैं, स्केच ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड है, हमारे पास कोई अगर मेटल ऑक्साइड है, अगर उसको हम रिड्यूस कर दें, उसके ऑक्साइड को हटा दें और इसको प्योर फॉर्म में ला लें, प्योर फॉर्म में ला दें, और ये रिड्यूस किसके कारण होता है, रिड्यूस अगर कर रहे हैं हम, फिर समझिए, कोई अगर मेटल ऑक्साइड है, अगर उसको हम प्योर फॉर्म में ला रहे हैं, प्योर फॉर्म में लाने का मतलब है ऑक्साइड को हटा देना, और जब हम कोई चीज़ हटाते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को ज़रूरत किसकी पड़ती है, रिड्यूसिंग एजेंट की। अगर आपको LIC करानी है तो LIC एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको आम लेने जाना है तो आम एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इसी प्रकार अगर मेटल लेना है तो मेटल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मेटल ऑक्साइड को ऑक्साइड हटाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहता है, किसी को भी रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ से जब रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर कौन कौन से यूज होते हैं, ज़्यादातर कोक यूज होता है, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होती है, CO एंड कोक इज कार्बन। जब हम लोग मेटल ऑक्साइड को प्योर फॉर्म में बदलते हैं, और प्योर फॉर्म में बदलने के लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो होता है हमारा कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करते हैं दोनों, ये ऑक्साइड को हटा देते हैं, और ये ऑक्साइड को हटाना, प्योर फॉर्म में बदलना, यही क्या कहलाता है हमारा, स्मेल्टिंग कहलाता है। क्या होता है, स्मेल्टिंग कहलाता है। फिर समझिए, मेटल ऑक्साइड में अगर हम ऑक्साइड हटा दें, उसको प्योर फॉर्म में बदल दें, किसकी हेल्प पे, किसकी हेल्प से, रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, कोक और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है, स्मेल्टिंग होता है। और इसी में अगर हम प्लस कर दें क्या, हीट को प्लस कर दें, तो वह क्या हो जाता है, पायरोमेटलर्जी होता है, हो जाता है, समझ रहे हो। अगर अभी यहाँ से अपने दिमाग में सेट कीजिए इसको, यहाँ से लेकर जाना है, बाद में नहीं पढ़ना है। अगर मेटल ऑक्साइड को प्योर फॉर्म में बदल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कोक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको कहते हैं स्मेल्टिंग। और अगर इसी काम को करने में, इसी फेनोमेना को करने में उसमें हीट जोड़ दी जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग पायरोमेटलर्जी। समझ गए, अगर नहीं समझो वीडियो रिमाइंड करो, दो बार, एक बार और देखो, चार बार हम बोल चुके हैं, 6-7 बार बोल चुके हैं, चार बार बोल चुके हैं, तो 4 बार और बोलेंगे, 8 बार हो जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। और इसकी डिफिनीशन हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी चेक करिए, उसके नीचे लिखी मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि मार्कर ज़्यादा मोटा है भाई साहब, समझ रहे हो। तो पायरोमेटलर्जी समझ में आया कि पायरोमेटलर्जी होता क्या है, स्मेल्टिंग में हीट ऐड कर देना, यही कहलाता है हमारा पायरोमेटलर्जी। स्मेल्टिंग में हीट ऐड कर देना, ये होता है हमारा पायरोमेटलर्जी। एक बार हम आपको डिफिनीशन बोल कर सुना देते हैं, ये क्या होती है, पायरोमेटलर्जी इज ए प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू प्योर मेटल। इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू प्योर फॉर्म और प्योर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कोक और CO और एनी अदर सब्सटेंस बाई हीटिंग इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। अब हमने बाई हीटिंग ऐड कर दिया, बाई हीटिंग का मतलब पायरोमेटलर्जी, अगर हीटिंग ऐड ना करते तो क्या होता है, स्मेल्टिंग। एक बार और सुनिए, द प्रोसेस इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू प्योर फॉर्म और प्योर मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कोक
और CO और एनी अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड स्मेल्टिंग, और इस यहीं पर ऐड कर दें बाय हीटिंग इज कॉल्ड पायरोमेटलर्जी। मतलब हीटिंग का फ़र्क आता है सिर्फ दोनों की डिफिनीशन में। तो होप आप समझ चुके होंगे कि पायरोमेटलर्जी आखिरकार है क्या। तो इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। और धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, मतलब यार फैक्ट के साथ, फैक्ट हैं एकदम डिफाइन है, सही है भाई साहब। तो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद 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 धन्यवाद, जाइए भाई साहब।